वेलकम टू डे टू। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन मिस्टर आरके ब्लॉग। और आज हमारा डे टू कश्मीर का स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम लोग आज गुलमर्ग जा रहे हैं श्रीनगर। जो डिस्टेंस श्रीनगर से पड़ता है गुलमर्ग का, वो पड़ेगा 70 किलोमीटर के आसपास। एग्जैक्टली 8 बजे हम लोग निकल चुके हैं। अभी हम लोग पास हो रहे हैं बॉर्डर एरिया। पास में बॉर्डर भी होगा क्या? है ना, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर। पाकिस्तान तो अभी देखिए, आज का मौसम भी साथ दे रहा, लग रहा है कि हम लोग कश्मीर में। चारों तरफ धुंध छाया हुआ है, ठंडी भी बढ़ी हुई है। एक घंटा ट्रेवल करके हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। चिमनी बनी हुई है, बोलते हैं कश्मीरी बुखारा। अगर आपको बहुत ठंडी लग रही हो तो इसके बगल में बैठिए। कश्मीर में बोलिए कि चाय पियो। चाय चखा। मेरा एक कहवा, इसमें नींबू भी डाला है ना, ऐसा लग रहा है। सही है, कश्मीरी पकौड़े। ये सब अखरोट का पेड़ है दोस्तों। ग्लेशियर कितना प्यारा है, क्लियर दिख रहा है ना। अभी हम लोग आ चुके हैं तंग मारा। वेलकम टू गुलमर्ग दोस्तों। 8 बजे चल के हम लोग 10:16 पे यहाँ पहुंच चुके हैं। 20 मिनट के लिए रुका हुआ था हम लोगों ने नाश्ता करने के लिए। और ये देखिए, हमारे पायलट साहब हमें बड़े टाइम पे छोड़ दिए यहाँ पे गुलमर्ग में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये हमारी पूरी टीम यहाँ पे आ चुकी है। कैप्टन कौन है? यू आर द कैप्टन। या नीचे ये हमारा पार्किंग एरिया मिल गया है। अभी हम लोग यहाँ से गंडोला जाएंगे। यहाँ से लोग हॉर्स राइडिंग भी करके जाते हैं, बट हम लोग वॉकिंग करके ही जाएंगे। मतलब फेज 1 फेज 2 यहाँ पे मेनली दो स्पॉट है। टिकट ऑनलाइन ही लेना रहता है, बट हमारा पहले से डिसाइड नहीं था कि हम इस टाइम पे आएंगे, इसलिए फेज 1 का टिकट अभी ऑनलाइन भाई का वाइल चल रहा था। बाकी फेज 2 का टिकट नहीं मिल पा रहा है। पूरी तरह से हो गए हैं इन वादियों में। इधर देखिए, ग्रीनरी देखने को मिल रही है और इधर स्नो का पहाड़। ये अभी शूज हम लोगों ने लिया है, जिसका प्राइस 150 रुपए पड़ा है। उसके रिक्वायरमेंट ऐसे तभी होता है जब हम बर्फ में जाते हो। मेरा तो ट्रैकिंग शूज है तो मैं ले रहा हूँ, बट फेज 1 में थोड़ा कम बर्फ होता है। फेज 2 में अगर जा रहे हो तो आपको ऑब्वियसली लेनी चाहिए, क्योंकि मेरे को पता है बर्फ में इतनी ज्यादा फिसलन होती है कि गिरने का चांस बहुत ज्यादा होता है। यहाँ से लोग घोड़ा गाड़ी भी ले सकते हैं। आसपास की साइट लोकेशन को भी विजिट करने के लिए लेते हैं। यहाँ से जाते हैं लोग वे की तरफ। फैमिली हमारे गाइड जा चुके हैं। क्या नाम है सर जी आपका? कहाँ कहाँ लेके चलने वाले हैं आप? फर्स्ट फ्रेज फेज 2 का टिकट के दोस्त कीजिए। अभी जहाँ से गंडोला राइड मिलेगी वहाँ पर लोग वॉकिंग करके जा रहे हैं। बर्फ किस तरह से गिरे हुए, साइड साइड में घर है यहाँ। तो ये देखिए गोल्फ कोर्स, जो काफी फेमस है यहाँ पे। ये पूरा एरिया गोल्फ कोर्स का है। यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह भी चलती है, जो मास्टरमाइंड है या जो लर्निंग वाले हैं यहाँ पे सिखाया जाता है। यहाँ पे घोड़े से भी आपको अंदर घुमा। 5 मिनट में लाइन लगने के बाद अभी एंट्री हो रही है। केबल कार्ड मिलने वाली है। अभी जो टिकट प्राइस पड़ा है फेज 1 के लिए तकरीबन 800 के आसपास पड़ा है। Now it's time to fly in the sky, in the Kashmir. Welcome to in the sky. तो अभी हमारी गंडोला राइड स्टार्ट हो चुकी है फेज 1 के लिए। काफी अच्छा नजारा मिल रहा है। बेस्ट पार्ट है कि हमें बर्फ भी देखने को मिल जा रहा है, हल्की हल्की धूप भी हुई है। और ये राइड हमारी तकरीबन 7 मिनट के आसपास चलने वाली है। तो लेट्स एंजॉय। थैंक यू चार्ली, हमारी गाड़ी को ब्रेक। आठ मिनट की राइड करने के बाद ये है नजारा। चारों तरफ बर्फ, बहुत सारे टूरिस्ट, और यहाँ पे भी आपको हॉर्स राइडिंग के ऑफर मिल जाते हैं, तो आप घूम सकते हो। बाकी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्या क्या है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो स्टे विथ मी। अभी हम लोग 3,050 मीटर की ऊंचाई पे हैं। तो अभी देखो आ गए हम लोग फेज 1 में बर्फ वाले एरिया में। बहुत ज्यादा बर्फ तो नहीं बोल सकते हैं, बट जो भी बर्फ है बहुत सॉलिड है, बहुत फिसल रहा है। बाबू फिसल के चलने का लकड़ी का जो है उसको बोलते हैं स्लैश। वो जो लोग घूम रहे हैं वो डंडी लगी जो स्केट, हाँ उसमें करा हुआ है वो, अगर करना है तो बोल रहे दादा, बोल रहे ऑप्शन है। अच्छा, स्केटिंग करने के लिए मैंने ट्राई करा हुआ है, तो मैंने ट्राई कर लो। तो मैंने करा हुआ है तो भाई लोग ट्राई कर रहे हैं, तो मैं इनका वीडियो फोटो शूट करने वाला हूँ। तो दोनों भाई लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ये चीज जो आप देख रहे हो उसको बोलते हैं स्लेडिंग। इसको क्या करते हैं, ऊपर लेके जाते हैं और ऊपर से खिसकाते हुए लेके आते हैं। ये जो है स्केटिंग गाइड के साथ कराते हैं, तो ये अच्छा पार्ट लगा मुझे इनका। वहाँ पे स्केटिंग वगैरह करवा रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर चढ़ के आए हम लोग। ये सारी बर्फ है यहाँ पे, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी सारा कुछ करवा रहे हैं। तो बहुत मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं हम लोग बर्फ को। नीचे का हिस्सा देख रहे हो आप, नेचर है। इस साइड
बर्फ। अल्लाह हबीबी निकलो ना कभी भी। यहाँ पे देखो एक टेम्पल है, यहाँ पे एक मूवी भी रिलीज हो चुकी है, गाना भी शूट हुआ है वहाँ पे।